जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के पूर्व वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद की आत्मकथा आजाद पर खूब हंगामा मचा हुआ है। इसमें उन्होंने गांधी परिवार के सदस्यों के साथ अपने संबंधों और सियासत से जुड़े कई सनसनीखेज दावे किए हैं। वहीं कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने नई दिल्ली में राहुल गांधी के साथ मुलाकात के बारे में आजाद के दावे को कल्पना करार दिया। गौरव गोगोई ने कहा कि मीडिया रिपोर्ट्स के जरिए मेरे संज्ञान में आया है कि गुलाम नबी आजाद ने दिल्ली में मुलाकात को लेकर मेरा और मेरे दिवंगत पिता का कुछ जिक्र किया है। उन्होंने कहा कि कहानी पूरी तरह से कल्पना है। कांग्रेस से इस्तीफा देकर डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी बनाने वाले गुलाम नबी आजाद अपनी आत्मकथा आजाद को लेकर इन दिनों खूब चर्चा में हैं। वह लगातार मीडिया को इंटरव्यू दे रहे हैं और कांग्रेस पर हमला भी कर रहे हैं। आजाद के बयान को लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश सबसे ज्यादा खफा है। वह लगातार गुलाम को विश्वासघाती बता रहे हैं। जयराम रमेश ने ट्वीट में लिखा कि हर बीतते हुए दिन के साथ गुलाम नबी आजाद विश्वासघात की सीमा को आगे बढ़ा रहे हैं। वह प्रधानमंत्री के लिए अपनी नई वफादारी का प्रदर्शन कर अपना ही स्तर गिरा रहे हैं। कांग्रेस के लेकर उनके घटिया बयान खबरों में बने रहने के लिए हैं। गुलाम के बयान उनका असली चरित्र और उनकी हताशा दर्शा रहे हैं। ये बिल्कुल निंदनीय है। दरअसल इस किताब और कई साक्षात्कार के दौरान भी गुलाम नबी आजाद ने यह दावा किया कि तत्कालीन कांग्रेस नेता हेमंत बिस्व शर्मा और उनके साथ अधिकांश विधायकों ने तरुण गोगोई के खिलाफ विद्रोह कर दिया था। वहीं सोनिया गांधी चाहती थी कि आजाद इस मामले को देखे। गुलाम नबी आजाद ने कहा कि सोनिया गांधी ने उन्हें नए नेता के रूप में हेमंत के औपचारिक चुनाव की बात कही और समझाने के लिए कहा, लेकिन राहुल गांधी ने उनसे यात्रा रद्द करने और इसके बजाय अगली सुबह उनसे मिलने का अनुरोध किया। पूर्व कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने कहा कि जब अगले दिन हम राहुल के आवास पर पहुंचे तो हमने तरुण गोगोई और उनके बेटे गौरव गोगोई को उनके साथ बैठे देखा। इस दौरान राहुल ने हमसे दो टूक कह दिया कि नेतृत्व में कोई बदलाव नहीं होगा। जब हमने उन्हें बताया कि हेमंत के पास विधायकों का बहुमत है और वे बगावत करेंगे और पार्टी छोड़ देंगे, इस पर राहुल गांधी ने कहा उसे जाने दो। वहीं आजाद के दावे पर प्रतिक्रिया देते हुए गौरव गोगोई ने कहा कि मीडिया रिपोर्ट्स के जरिए मेरे संज्ञान में आया है कि गुलाम नबी आजाद ने दिल्ली में एक मुलाकात को लेकर मेरा और मेरे दिवंगत पिता का कुछ जिक्र किया है। उन्होंने कहा कि कहानी पूरी तरह से कल्पना है और किताब को इसी रूप में प्रचारित किया जाना चाहिए। दरअसल कांग्रेस के पूर्व दिग्गज नेता आजाद ने अपनी नई किताब में दावा किया है कि पीपुल डेमोक्रेटिक पार्टी के संस्थापक मुफ्ती मोहम्मद सईद 2002 में जम्मू कश्मीर में सरकार बनाने के लिए तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के साथ बातचीत के लिए दिल्ली आए थे, जिसे पीडीपी ने तुरंत खारिज कर दिया था। सांसद गौरव गोगोई ने कहा कि मुझे लगता है कि गुलाम नबी आजाद ने जो कहा उसमें तथ्य नहीं है। बताया जा रहा है कि आजाद का दावा है कि उनके साथ 42 विधायक थे, फिर उन्होंने सीधे जाकर दावा क्यों पेश नहीं किया। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर यूट्यूब पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भी, निरंतर।